Hi guys, welcome back to Momistan. So recently tha mere papa ka birthday and since I'm in Delhi, so I miss no opportunity to make it more special. So of course I prepared a chocolate cake, jiski recipe maine already apne channel pe share ki hui hai, jahan aap check kar sakte hain. Another special dish that I had made for my papa was his favorite mutton rizala, which is a Kolkata ki famous dish. And along with this, I had made Turkish naan. Turkish naan bahut hi amazing si naan hoti hai, jo isko bahut अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी. चलिए इन दोनों की रेसिपी फटाफट से देखते हैं. तो सबसे पहले हम नान को मटेरियल तैयार करेंगे, जिसके लिए हम आधा कप वार्म वाटर और आधा कप मिल्क में एक चम्मच चीनी मिलाएंगे, एक से दो चम्मच बड़े चम्मच. एंड यहाँ पर ड्राई यीस्ट ले रहे हैं हम, इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, जिसको हमने एक बड़ा चम्मच मिला देना है इसमें. बेसिकली यीस्ट को एक्टिवेट करना है, तो 10 मिनट के लिए उसे हम ढक के रख देंगे. अब हम दूसरे बड़े बर्तन पर ले रहे हैं 3 कप यहाँ पर मैदा लिया हमने, 1 से 2 चम्मच नमक ले लें, आप स्वाद अनुसार छोटा चम्मच ले लें या जितना भी आपको नमक पसंद हो उस हिसाब से लें. दही यहाँ पर 1 कप ले रहे हैं. यूजुअली टर्किश नान पे दही नहीं, बिना दही के भी बनाते हैं, लेकिन दही बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है, टेक्सचर लाता है इसमें, तो आप ज़रूर से डालें. वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं हम यहाँ पर, अंदाज से मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून आप ले सकते हैं. अब हम ड्राई यीस्ट का जो मटेरियल था हमारा वो फर्मेंट हुआ, वो इसमें डाल देते हैं. 10 मिनट जो हो चुके थे इसको हम मिक्स कर देंगे. स्पून की मदद से मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ये जो यीस्ट का मिक्सचर वो डालें, ताकि आटा यू नो गीला ना हो, जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही उस हिसाब से वेट इंग्रेडिएंट डालें. ऐसे ड्राई नहीं होगा क्योंकि जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल सही इसमें मैंने बताया है. पानी इसमें कुछ ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं, बिना पानी ऐड किए ही ये मटेरियल अच्छा सा हमारा डो सॉफ्ट सा तैयार होगा. अगर सॉफ्ट डो नहीं है तो आप थोड़ा बहुत पानी वार्म वाटर इसमें मिला सकते हैं. तो सॉफ्ट सा डो जब तैयार हो जाए, इसे आपको ढक कर सर्दी के मौसम में 3 से 4 घंटे तक किसी गर्म जगह पर रख दें. गर्मियों में आपको बस ये 1 घंटे के लिए रखना है ढक के, एंड वो फूल जाएगा अच्छे से फूल जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप कुछ देर और रखें. तो इसे अभी हम सेट करने के लिए दे देंगे, तब तक हम मटन की तैयारी करते हैं. तो मटन यहाँ पर लिए मैंने 700 ग्राम के लगभग, उसी हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बाकी के दिखाऊंगी. तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ले रही हूँ, मैं रेडीमेड ले रही हूँ, आप घर का बनाया हुआ लिए तो बहुत अच्छा है. तो मैंने 1 to 2 टेबल स्पून आपको ले लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड 1/4 छोटा चम्मच बिल्कुल ज़रा सा आपको लेना है ब्लैक पेपर पाउडर. और दही ले रहे हैं हम यहाँ पर 1 कप फुल दही, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. और सॉल्ट आपको नमक स्वाद अनुसार लें, या 1 टेबल स्पून तक ले सकते हैं. थोड़ी सॉल्ट हम बाद में भी यूज़ करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट अभी ना डालें. एंड ऑफकोर्स जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने रेडीमेड यूज़ किया उसमें भी सॉल्ट होती है, तो इस बात का ध्यान रखें. इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे. बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालते, बस इतने ही बेसिक मसाले. और हमारा मैरिनेशन यहाँ तैयार हो गया, इसे ढककर आप फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए. अभी हम यहाँ पर साबुत गरम मसाले ले रहे हैं, तो 7-8 आपको छोटी इलायची ले लेनी है. 3 यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1/2 ज़्यादा ले सकते हैं. 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 8-10 या 12 लौंग ले लें. यहाँ पर सिनेमन मैंने लिया, ऑर्गेनिक सिनेमन है मेरे पास, जो बहुत ही माइल्ड फ्लेवर का होता है. अगर आपके पास मोटी वाली सिनेमन है तो एक टुकड़ा ही ले, 1 इंच वाला. और इसके अलावा जावित्री यहाँ पर 1 ली है मैंने. जावित्री के साथ आपको एक जायफल भी लेना है. जायफल इस प्लेट में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो जायफल था वो क्रश करके रखा हुआ है. ये देखिए, ये जायफल जो होता है वो 2 जायफल को मैंने यहाँ पर पहले से क्रश करके रखा हुआ था. तो बेसिकली अभी आपको क्या करना, कुछ मसाले इसमें से क्रश करने हैं साथ में. तो जायफल, जावित्री और ये सिनेमन, ये हमें क्रश करना है. हल्का सा रोस्ट कर दीजिए आप इन तीनों चीज़ों को. मैं ना ऑलरेडी एक चीज़ क्रश की हुई है, इसलिए मैं ये 2 चीज़ ले रही हूँ, सिनेमन एंड जावित्री, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर दिया. अभी मैंने जायफल भी जो मेरे पास क्रश किया हुआ था वो डाल दिया है. अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैं कूट लूँगी, क्योंकि हल्का सा आप रोस्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी ये पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे. आप थोड़ा सा ही कूटेंगे, लगभग 1 मिनट तो ये पाउडर ईजिली बन जाएंगे. तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप पाउडर बना लें. तो यहाँ पर हमारा पाउडर तैयार हो गया, इसे अभी हम साइड में रखेंगे बाद में यूज़ के लिए. अब यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर गरम कर रही हूँ और उसमें देसी घी 1 टेबल स्पून डालें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. और जो साबुत गरम मसाले थे बाकी के जो हमने नहीं कूटे थे वो वाले इसमें डाल दीजिए. और इसे कुछ सेकेंड के लिए आप सॉटे करिए, लगभग मतलब 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं. मेक श्योर कि
बहुत ज़्यादा तेज घी जो है गर्म ना हो ताकि बर्न ना हो। एंड अब जो मैरिनेटेड मटन था हमारा वो हम डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा इसे सॉटे करेंगे और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे लगभग 10 मिनट के लिए कुक कर लें थोड़ा सा, ताकि इसकी रॉनेस एक जो होती है वो निकल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जो बॉल में मैंने मैरिनेशन किया था उसी बॉल में मैंने पानी लगभग एक ग्लास के करीब ले लिया है, वो डाल दें। मेक श्योर कि पानी इतना हो कि पूरा डूब जाए अच्छे से जो मटन है, नहीं डूबे हो तो थोड़ा सा और पानी डाल लें या बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब ये विसल लगाने हम छोड़ देंगे, इसे धीमी आंच पे 2 सीटी तक पकाएं या जब तक कि गोश्त अच्छे से पक नहीं जाए। तो यहाँ पर दूसरी कढ़ाई हमने एक बड़ी सी गरम की है और उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाला है मैंने, अंदाज से डाला है। आप 1 टेबल स्पून घी ले लें और थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल लें। अब इसमें ऑनियन का पेस्ट, यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ ऑनियन को मैंने पीस लिया था उसका पेस्ट ले रही हूँ, और 1 छोटा चम्मच जो है यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी मटन में डाला हुआ था इसलिए ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही ले रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मेक श्योर कि आप चलाते हैं और जब तक कि गोल्डन यू नो पिंकिश ब्राउन जो कलर होता है वैसा नहीं आ जाए तब तक भुने। अभी मैं ले रही हूँ काजू और खसखस का पेस्ट, इसके लिए मैंने कुछ घंटे इन्हें भिगो दिया था, रात भर भी आप भिगो सकते हैं उसके बाद पेस्ट बना लें। तो लगभग 10 से 12 काजू आप ले सकते हैं या 15 काजू ले लें और उसमें 1 टेबल स्पून भर के आप खसखस ले लें। खसखस यानी पॉपी सीड्स या उसे पोस्ता दाना भी कहा जाता है वो ले लें, उनका उनको सोक करके रख दें उसके बाद पेस्ट बना लें। तो इसको भी हम डाल के मिक्स कर दिया हमने। अब जो हमारा जो सूखा इंग्रेडिएंट जिसे हमने कूटा था वो हम 1 बड़े चम्मच के करीब हमने डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड कर दें, इसे थोड़ा सा और भूनेंगे हम, लगभग 1-2 मिनट भूनें, आप चाहे तो इसे ढक के भून सकते हैं। अब जो मटन जो हमारा था जो कुक हो चुका है उसे हम जो हमारा मसाला है कढ़ाई में उसमें डाल देंगे। मेक श्योर कि जो मसाले आपने कढ़ाई में डाले वो अच्छे से फ्राई हो चुके हों, इसे एक बार से मिक्स कर देंगे अच्छे से और दम करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। आप दम करने के वक्त इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिली डाल सकते हैं, तीखा और नमक इस वक्त चेक कर लें। एंड आप ड्राई रोस्टेड मखाने भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमारा जो मटन रिजाला है फैबुलस वो रेडी हो गया है। तो मैंने इसमें थोड़े से रोस्टेड मखाने भी डाल दिए थे दम करने के वक्त। अब इसके बाद हम अपनी नान की तैयारी करते हैं। तो नान हम अपनी चेक कर रहे हैं कुछ घंटे के बाद, ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है, हमारा जो डो था वो फूल चुका है, डबल हो गया साइज़ में, डबल से भी ज़्यादा हो गया लग रहा है। इसमें काफ़ी अच्छे से एयर जो है वो फिल हो गई है। अब हम इसे एक बार जो है मिला देंगे, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये फूला है। एक बार अच्छे से इसे आप मिला दें ताकि वो एक अच्छा सा सॉफ्ट डो फिर से तैयार हो जाए। काफ़ी सॉफ्ट सा डो हमारे यहाँ पर रेडी हो गया है। अब डो जब अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें से एक कुछ पोर्शन जो है गोले निकाल देंगे। इस तरीके से आपको गोले बना देने हैं। तो यहाँ पर बड़ा एक गोला आपको बनाना है, यानी कि जो मोटा पराठा हो उसके लिए जितना लेते हैं वैसा टाइप का हो, यू नो शीरमाल नान के लिए जो सही हो, रोटी से मोटा ही होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल देंगे अच्छे से, मेक श्योर कि थोड़ा सा थिक ही आप रखें एंड बराबर से बेलें। अब इसे हम गरम तवे पे डाल देंगे। हम यहाँ पर नॉनस्टिक पैन पे इसे बना रहे हैं ताकि इससे अच्छी नान तैयार होगी, स्टिक भी नहीं होगी। तो एक साइड अच्छे से बबल्स जैसा फूल जाए तब दूसरे साइड पलट के इसे मैं कपड़े से सेक के सेक रही हूँ, आप किसी स्पैटुला चम्मच वगैरह से भी सेक सकते हैं। तो तवे पे इसे सेक के अच्छे से दोनों साइड से यू नो जब तक अच्छे से फूल नहीं जाए वैसे करके सेक के इसमें ऐसे ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। अब हमारी ये जो टर्किश नान है वह तैयार हो गई है। इसे सर्व करने के वक्त आप इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा दें एंड देयर यू गो, आवर डिलीशियस सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टर्किश नान इज़ रेडी। ये बहुत ही अच्छी बनी है एंड अच्छी बात इसकी ये भी होती है, एक तो टेस्टी बहुत होती है प्लस ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहती है, च्यूई नहीं होती। मतलब कि जैसे बाकी जो नान होती है आप मैदे की बनाएं तो वो बहुत यू नो ठंडी हो जाने के बाद खाने लायक नहीं होती, बट ये आप ठंडी हो जाए तब भी खा सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट रहती है, आप देख सकते हैं। तो
तो दोस्तों इस अमेजिंग से मटन रिजाला को ज़रूर से बनाइएगा। बहुत ही आसान है बनाना है इसे, जैसा कि आपने देखा ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते। एंड ये सुपर डिलिशियस टर्किश नान इसके साथ आप बनाइए तो इसका कॉम्बो बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर में स्पेशल ओकेजन है या गेस्ट आए हुए हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमिस्तान। बाय बाय।